हेलो क्लास 10। तो हमारा टॉपिक है एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म, जिसमें हमने एथेनॉल का जो पहला रासायनिक गुण था वो हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने पत्र पढ़ा था कि एथेनॉल का दहन कैसे होता है, या जब एथेनॉल का दहन करते हैं तो हमें कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं। आज हम अपना दूसरा रासायनिक गुण पढ़ेंगे एथेनॉल का, जिसको हम कहते हैं उपचयन। हम उपचयन को हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं, ठीक है ना। जो उपचयन अभिक्रिया है उसी को हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं, और इसी को हम नियंत्रित दहन भी कहते हैं। जैसे जो दहन होता है वो तो पूर्ण दहन है, तो इसको नियंत्रित दहन भी कहा जाता है। अब जब हम उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले हमें दो चीजें समझ में आनी चाहिए। एक, पहला कि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, ठीक है ना। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन, परमैंगनेट विलयन। और दूसरा हमें यह समझना है कि अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन क्या होता है। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन। तो इन दोनों के बारे में हमें समझना है, क्योंकि ये दोनों उपचायक होते हैं। उपचायक का मतलब ये दोनों ऑक्सीकरण करने का काम करते हैं। अब क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का मतलब क्या होता है, देखो कि जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है, ठीक है ना, जब हम पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको हम KMnO4 कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट जिसका सूत्र होता है KMnO4, जो परमैंगनेट होता है, तो KMnO4 जिसको हम पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, यदि KMnO4 को किसी क्षार जैसे NaOH में घोलकर उसका विलयन बनाया जाए, ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं क्षारीय KMnO4 या क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है ना। कि जब हम पोटेशियम परमैंगनेट को NaOH में घोलकर उसका विलयन तैयार करें, क्योंकि NaOH कैसा होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, तो ये कहलाता है क्षारीय KMnO4। और ये एक उपचायक होता है। उपचायक का मतलब क्या है कि जो किसी पदार्थ का उपचयन कर दे, तो ये एथेनॉल का उपचयन करता है, अभी हम उसको आगे पढ़ेंगे जब रिएक्शन देखेंगे तो, ठीक है ना। ऐसे ही अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, अब पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र होता है K2Cr2O7, K2Cr2O7। अब अम्लीय है तो इसको जब H2SO4 में घोलकर इसका विलयन बनाया जाता है, जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलकर उसका विलयन बनाते हैं, तो उसे हम अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं, क्योंकि ये अम्लीय प्रकृति का होता है, तो इसको कहा जाता है अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन। ये भी एक प्रबल उपचायक है, ठीक है ना, ये भी एक उपचायक है। उपचायक का मतलब है कि ये दूसरे पदार्थ का क्या कर सकते हैं, उपचयन कर सकते हैं। उपचयन, अब जैसे दूसरा पदार्थ कौन होगा, माना यहां पर एथेनॉल है, तो ये पदार्थ क्या करते हैं, इस एथेनॉल का उपचयन कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये दो टॉपिक आपको समझने हैं कि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन क्या होता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट का NaOH में बना विलयन, पोटेशियम परमैंगनेट का NaOH में बना विलयन क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन कहलाता है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट का सल्फ्यूरिक अम्ल में बना विलयन जो होता है वो कहलाता है अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन। और ये ध्यान देना, दोनों क्या होते हैं, प्रबल उपचायक होते हैं। उपचायक का मतलब है जो किसी दूसरे पदार्थ का उपचयन कर देते हैं, ठीक है ना। उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं हमने पीछे पढ़ी हैं, उपचयन क्या होता है और अपचयन क्या होता है वो हमने पढ़ा हुआ है। उपचयन माने होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, तो ये दोनों पदार्थ क्या करते हैं, ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी अभिक्रिया, जिसको हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया, इसको हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया, ठीक है ना। अब उपचयन और जो जो ऑक्सीकरण जिसको हम कह रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है नियंत्रित दहन,
कंट्रोल कम्बशन कहते हैं, ठीक है ना। नियंत्रित दहन एक होता है, अनियंत्रित दहन है जिसको हम सामान्यतया दहन अभिक्रिया के अंतर्गत पढ़ चुके हैं, उसको अनियंत्रित दहन कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे नियंत्रित दहन या उपचयन के भी, ठीक है ना। तो जब मैं यहां पर लिख भी देता हूं, जब एथेनॉल को क्षारीय केमेनोफोर, अब केमेनोफोर का नाम पीछे बता चुका हूं, क्षारीय केमेनोफोर जिसको हम कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, या अम्लीय K2Cr2O7, अम्लीय K2Cr2O7 जिसको पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं, विलयन के साथ गर्म किया जाता है, के साथ गर्म किया जाता है, तो एथेनोइक अम्ल बनता है, तो एथेनोइक अम्ल बनता है। यह अभिक्रिया आपको याद रखनी है। और जब अभिक्रियाएं लिखने को कहते हैं तो अभिक्रियाएं लिखा कीजिए, खाली ये जो मैटर है ये लिखने से नहीं चलेगा, थ्योरी लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी, ठीक। अब देखो एथेनोइक अम्ल क्या होता है, देखिए एथेनोइक अम्ल होता है CH3CH2OH, ठीक है ना। इसका हम क्या कर रहे हैं, इसका हम उपचयन कर रहे हैं, और उपचयन कौन कर रहा है हमारा, या तो हमारा कर रहा है क्षारीय के एम एन ओ फोर, या हमारा कर रहा है अम्लीय के टू सी आर टू ओ सेवन। अब ये ध्यान देना, इन दोनों का काम होता है इसको ऑक्सीजन देना, क्योंकि उपचयन की परिभाषा हम पहले पढ़ चुके हैं। उपचयन माने क्या होता है, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग। तो ये जो दोनों पदार्थ हैं, इनमें से किसी भी एक पदार्थ को हम लेंगे और इसका काम होता है ऑक्सीजन देना, और ऑक्सीजन हम ये इसने दो ऑक्सीजन दी, ये दो ऑक्सीजन कहां से आई, इन्होंने दे रखी है किसी ने, एक ने, ठीक है ना। और ये दो ऑक्सीजन देने के बाद हमारा पदार्थ क्या बन गया, CH3COOH+H2O। देखिए बैलेंस हो गई अभिक्रिया। अब आप देखना इसमें कितनी ऑक्सीजन थी, एक, इसमें कितनी ऑक्सीजन हो गई, दो, तो ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। अब जी इसका मतलब यह है कि जब हम एथेनॉल को अम्लीय K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट या क्षारीय KMnO4 के साथ गर्म करते हैं तो एथेनोइक अम्ल बनता है। यह आपका क्या है, एथेनोइक अम्ल का निर्माण होता है, ठीक है ना। अब हम अपनी तीसरी अभिक्रिया की ओर बढ़ रहे हैं जो कि है सोडियम धातु से अभिक्रिया। यानी जब एथेनॉल की सोडियम धातु से अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, ठीक है ना। तो पहले इसमें एक सेंटेंस लिखता हूं फिर आपको बताता हूं, ठीक है ना। तो जब हम एथेनॉल की सोडियम धातु से अभिक्रिया कराते हैं, यानी सीधे सीधे हम लिखते हैं एथेनॉल सोडियम धातु से क्रिया कर, सोडियम एथॉक्साइड वो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। देखो अभिक्रिया लिखेंगे अब हम, ये हमारा एथेनॉल है CH3CH2OH, है ना। इसके दो पर दो अणु लेते हैं और इसकी क्रिया हम दो सोडियम परमाणु के साथ करते हैं, ठीक है ना। अभी ध्यान देना, आगे से दो लिखा है तो कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, दो, और सोडियम भी कितने हैं, दो। तो ये दो सोडियम दो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं, यानी ये दो के दो हाइड्रोजन। अभी ध्यान देना, आप कहेंगे यहां पर तो एक हाइड्रोजन दिख रहा है और दो बोल रहे हैं, तो
तो दो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे से दो लगा हुआ है, तो सारे परमाणु जितने भी हैं वो दो से गुणा हो जाएंगे। ऐसे यहाँ दो सोडियम के परमाणु हैं, तो ये जो दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं इनको दो सोडियम के परमाणु विस्थापित कर देते हैं, तो हमारा उत्पाद क्या बनेगा देखिए, ट्वाइस CH3 CH2। ओ अब H की जगह पर क्या आ गया, Na। अब Na भी कितना आ गया देखो, दो प्लस दो हाइड्रोजन विस्थापित हुए तो कौन सी गैस निकल गई, हाइड्रोजन। ये जो पदार्थ है इसका नाम है सोडियम एथोक्साइड, इसका नाम है सोडियम एथोक्साइड और ये हाइड्रोजन गैस है। ठीक, इस अभिक्रिया का जब हम प्रयोग करते हैं वो एथेनॉल के परीक्षण के लिए किया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वो एक ज्वलनशील गैस है, ये आग पकड़ती है, ठीक है ना, ये एक ज्वलनशील गैस है, हाइड्रोजन गैस स्वयं जलती है। तो अगर आपको पता लगाना है कि कोई पदार्थ एथेनॉल है या नहीं है, तो उसमें एक छोटा सा सोडियम का टुकड़ा डाल देते हैं और परखनली के मुख पर, ठीक है ना, हम करते क्या है, अगर हमको पता लगाना है, माना कि परखनली है, ये कॉपी में लिखना नहीं है ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूं, ये एक परखनली है, इसमें कोई पदार्थ दिया गया है आपको, कोई द्रव दिया गया है एक्स, और आपको पता लगाना है कि क्या ये एक्स जो द्रव है ये एथेनॉल है या नहीं है। अगर आपको बताना है कि ये एथेनॉल है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसमें एक छोटा सा टुकड़ा किसका डाल देंगे, सोडियम का, ठीक है ना, हमने परखनली में सोडियम का एक टुकड़ा डाल दिया और यहां से गैस निकलेगी, एक माचिस की जलती हुई तीली यहां पर लानी है, एक माचिस की जलती हुई तीली यहां पर लानी है, यदि ये गैस जलने लग गई तो ये एथेनॉल होगा, क्योंकि क्रिया क्या हुई होगी, यहां पर एथेनॉल है CH3 CH2 OH, हम क्या डाल रहे हैं, सोडियम, तो जब हम सोडियम डालते हैं तो सोडियम क्या करता है, दो हाइड्रोजनों को प्रतिस्थापित कर देता है, तो क्या बन जाता है, ट्वाइस CH3 CH2 ONA, सोडियम एथोक्साइड, और कौन सी गैस निकल गई, हाइड्रोजन गैस निकल गई जो जलने लगती है। तो ये एथेनॉल का एक परीक्षण है, बाकी अभिक्रियाएं कल देखेंगे। थैंक यू।